अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतनों, आज मैं आई हुई हूँ सफिया कासिम के घर। ये बहुत जरूरी मेरा ट्रिप रह गया था। मैं आपको छोटी छोटी चीजें मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत सारी चीजें हमें बहुत पसंद आई हैं। इस वक्त मैं स्टेयर्स चढ़ रही हूँ, एक खास दीवार, ये चाइना की दीवार बिल्कुल भी नहीं है, मगर ये है कि ये डिफरेंट सी दीवार है। सफिया अभी नई नई शिफ्ट हुई है कराची, 2-3 महीने हुए और मैं अभी इनके स्टेयर केस का लेती हूँ तो मुझे रोटेट करना होगा कैमरा। ये सफिया की वॉल स्टेयर केस है, इसके ऊपर जा रही हूँ, ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, दे आर ऑल मेड बाय सफिया। जिन लोगों को ये नहीं पता, ये सफिया का ये भी एक हिडन टैलेंट है। वाह, ओके, ब्यूटीफुल। कल की पिक्चर इतनी खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल। अभी इसमें से बहुत सारी रिक्रिएट होनी है इस बार ना। ये वुड के उसके बाद टूट गया है। हाँ ये टूट गया, लेकिन स्टिल इंटैक्ट। हाँ इसमें से ये उन्हें रिक्रिएट करनी है, इस बार बच्चों ने ये करनी है। सो इब्राहिम और सुमैया, क्यूट, ये भी वही है। और कल वाली भी जरूर करानी है। हाँ वो भी कल वाली देखिए। तीन चार दफा मैंने इसको देखा। ये है वो जगह जहाँ से आप सारी किताबें पढ़ पढ़ के हमें इंस्टा पे रिव्यूज देती हैं। नहीं नहीं, बट दैट इज सो यूजफुल। यूजफुल के अलावा हाँ बहुत ज्यादा, वो मैंने बहुत एंजॉय किया था सारे रिव्यूज। सर पेंटिंग भी सफिया ने ही बनाई है, ये भी उनके हाथ की बनी हुई है और ये भी। थोड़ा थोड़ा काम रहता है क्योंकि सफिया अभी मूव इन किए हैं। ये सफिया का बेडरूम है, ये ऐसे रखा हुआ है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ बच्चों के। ये बिल्कुल उस तरह है ना, एक दिन जियो के साथ वाला, एक दिन सफिया के साथ। ये उसके साथ अटैच्ड है, ये भी ब्लू बनवाया है। अच्छा ब्लू, हाँ बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अभी तो मेरा जो रूम है ना, 3 बजे तक वो उधर ही बैठे होते हैं। अच्छा, और उस सुबह जो हमारी मेड है कहती है बाजी मैं किस वक्त आपका कर रहा था, छोड़ दो मैं आपको दूसरा वाला मेरा दिखाती हूँ। ऐसा बच्चों के ना आइडेंटिकल रूम्स हैं, वेरी नाइस। और ये आपने करवाया है? दिस और इट वाज ऑलरेडी देयर, दिस इज ब्यूटीफुल, ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी देयर, दिस इज सो क्यूट, दिस वाज ऑलरेडी। नहीं ये जलेगा नहीं यार, नहीं नहीं पेंट, खींच के देखो, खींच के देखो, इट्स नॉट पेंट, नो इट इज पेंट नहीं है। अच्छा ये देखो, वो स्टिकर, स्टिकर है, स्टिकर है। दोनों बच्चों के आइडेंटिकल रूम्स हैं। अच्छा सुमैया कौन सी है इसमें? वो उनकी मर्जी है, ये उनकी मर्जी है, मगर ये सुमैया और उसकी दोनों फ्रेंड्स हैं। वो एक दिन आई नहीं थी, वो मस्तियां कर रही थी, सर पेंटेड देम, क्यूट, वेरी नाइस। तो नाजरीन और मेरे अजीज हम वतनों, आज हम हैं कहाँ पे? सफिया कासिम के किचन में। सीरियसली जब भी आप सफिया के घर आए, इनके ड्राइंग रूम में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। जितनी इंटरेस्टिंग चीजें इनके किचन में है और हो रहा है, आप सीधा, मैं आपको पूरा रास्ता समझा दूंगी, आपने दरवाजे से कहाँ से आना है और कहाँ जाना है, आपने सीधा किचन में आना है। मजेदार तरीन खाना, डिफरेंट तरीन खाना। शेफ जो है वो जलेबिया, जलेबिया कासिम, बिल्कुल शेफ जो है वो मेरे 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 पीछे हो रही जलेबिया, हेलो करें जरा। तो ये है वो शेफ, ये है वो, और ये पूछ के आइएगा सफिया के यहाँ, क्या आज आपके यहाँ जलेबिया आई नहीं है? अगर आपके यहाँ जलेबिया आई नहीं है, और टाइम भी कुछ इस तरह का देखिएगा, चाय वाला टाइम ना हो नो, जैसे हमने बड़े फ्लेवर में, मगर बस जवेरिया का होना जरूरी है। मेक श्योर कि जवेरिया जरूर आई, या जवेरिया हो या मारिया हो, या बस अगर कोई ना हो तो शफीक भाई भी हो तो भी काम चल जाए। अच्छा ये देखिए ना, ईटिंग इज बिलीविंग, फौरन अपने लेजी कीटो वाला, क्योंकि ईटिंग इज बिलीविंग। और आज आपके पास क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये एक बर्मीज डिश है जिसको कहते हैं लेक्टो, इसको कहते हैं लेक्टो, लेक्टो जी जी जी,
अच्छा, और ये इंग्रेडिएंट्स क्या है ये पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई तकरीबन 20-25 आइटम्स रहते हैं, वो सारे मैं गिनवाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाकी कोफ्ते हैं। एक सेकंड, पहले इसका खाने का तरीका क्या है? बस बस वो वाला है और इसके ऊपर कुछ चीज ऐड वेड के साथ सूप बनता है। हाँ देखिए जी, हाँ मैं ये तो आपका ख्याल सोच है कि मैं छोड़ दूँ। अच्छा, ये सूप है इसके साथ। ठीक है, अच्छा, इसमें चाइनीज ग्रास और ये आई न्यू देयर इज अ थिंग। ये सारे इटालियन नाम नहीं ज्यादा लग रहे। अच्छा ओके, एंड दिस इज कोफ्ते। ये सब टेस्टी चीजें जो एंड हम इस पे वर्ड गार्निश करते हैं। अच्छा, ये तो कोफ्ता। ठीक है, दिस इज फिश। वाओ, ऑसम। ये क्रैकर, क्रैकर ये प्रॉन्स के साधन है। या एक्सीलेंट। इसके बाद ये, इसको हम चिकन में हम कहते हैं चेची जो। चेची जो, यस। दिस इज कोफ्ता। इसमें ये है क्या? ये चिकन है। दिस इज चिकन। चिकन है, चिकन विद लॉट ऑफ चिलीज। ऑलराइट, ओके। एंड वी हैव दिस कोफ्ता पुलाव, इसमें अंडा आलू एंड कोफ्ता है। ऑलराइट, नहीं ऐसे नहीं बनाते, यानी अंडा इस तरह नहीं होता। कोफ्ता भी नहीं, कोफ्ता पुलाव भी नहीं बनाते। हम भी नहीं बनाते, बनाते देन दिस इज यू नो टमाटर की चटनी। इसको आप लोग टमाटर में कट के, आई सीरियसली आई थॉट ये गाजर का हलवा। सीरियसली, वो मैं कह रही हूँ ना, आंखें बहुत धुंधली हो गई हैं और चश्मा तो लगाना नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं लगाना चश्मा। अच्छा ठीक है, और ये नहीं होती जो है, ये न्यू श्रिम्स का एक चटनी है, ड्राई श्रिम्स की चटनी। चलिए आप प्लेट उठाएं और दिस इज पुडिंग, एंड दिस इज चटनी, पतीली का कस्टर्ड। पतीली का कस्टर्ड, ये जो पतीली का कस्टर्ड है ये हम पहली दफा सुन रहे हैं। सो हाउ इज इट मेड? इसको, दिस इज समथिंग दैट यू हैव ट्रांसलेटेड इनटू क्रेमरले। ओह ओके, बात तो सही है ना, वही ना, पतीले का कस्टर्ड। ये सूप डाल रही थी, वो उसमें सूप डाल रही थी हम। ये जो नया एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये तो हम क्यों बैठे हुए थे वहाँ पे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। बहुत अच्छा कि आप सही जगह पे अब लेके आई हैं आप। मैंने पहली दफा इतने सारे गुजराती खाने इकट्ठे खाए और मुझे बिल्कुल नहीं रियलाइज किया था कि इतने मजे थे। हमने सवाई खाउसो के, जो कि बर्मीज है, ओरिजिन उसका बर्मीज है, और वही हमने किया था। दिस इज बर्मीज फूड, दैट वाज ओनली दैट, दिस इज भी गुजराती नहीं, दिस इज ऑल बर्मीज। तो मैंने इतना, एंड व्हाट अबाउट दैट गुजराती कबाब है ना, ये वो जो आपने रोटियां खाई है ना, चनापुरी, दैट इज गुजराती, दैट इज गुजराती कबाब वाला खाना है। ओके, दिस इज ऑल बर्मीज फूड। गुड, चले एरम, चले भाई, कैंडिड कैंडिड रिव्यू। मैं खा तो लूंगा। नहीं खा तो माशाल्लाह आपने काफी दिया है, मेरे साथ ही थी आप, मगर अभी रह गया ये, अभी अभी कितना रह गया ये? अच्छा ठीक है, तो आपने, अच्छा अलग अलग, ठीक है, सब मिक्स हो गया। वलीद आपका रिव्यू, ऑनेस्ट। I love each and everything, especially the dried prawns. I myself, I'm not a big fan of prawns dried, but this time with the rice, the noodles, it really, really. The dried prawns are the ones that kind of a chutney. They're called the chutney. Yeah. Okay. So they brought this unique flavor out of the rice and the noodles. The lento that looks like Singaporean rice. Yes. It was a really nice combination. Other than that, everything else was like I took moderately, so they all tasted pretty unique. Wow! Yeah. Thank you so much. Thank you. Thanks, children. Like candid reviews. Javeria, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत जज़ा दे आपके रिस्क में, बहुत बरकत डाले। Thoroughly enjoyed having this. किसी ने रिव्यू देना है ऑनेस्ट वाला? चल, नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, सो देयर इज नथिंग दैट यू कैन हैव, फिश यू कैन हैव, एवरीथिंग बीइंग ऑन कीटो यू कैन हैव एवरीथिंग। अच्छा ओके, मैंने सुन लिया।
ये मैंने किया ट्राई, बहुत मजे का। क्रैकर्स की तरह है ना, गुड गुड। आई हैव वी हैड अ लवली टाइम। मैं यहाँ इरम के साथ आई हुई हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत फराख्ती लाए, आमीन। और अपने बच्चों का हम सब सुख देखें, आमीन आमीन सुबह आमीन। सी यू इन माय, ओह सुना आपने, अब मीठा भी है, यानी ऑल दिस और फिर मीठा भी है। नाउ आई एम गोइंग टू कैच अप विद यू इन माय, लेट्स व्लॉग। अल्लाह की अमान में। ये सबसे ज्यादा क्यूट चीज है सफिया के घर में, ये स्ट्रे कैट्स हैं, क्यूट ट्विन्स हैं डेफिनेटली। सफिया ने इनके लिए पॉट्स रखे हुए हैं खाने पीने के लिए, और यहाँ पे एक बर्ड हाउस भी है। अल्लाह ताला ऐसे घर को बिल्कुल मालोमाल कर देता है रिस्क से और आफियत से, और हमेशा अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, आमीन।